काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ इसको बना के रेडी कर दिया गया है। फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ ठंडे के मौसम में आए हैं तो यहाँ पे धूप ले सकते हैं। तो मेरे चारों तरफ देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे कोई गाड़ी मिल जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे जो है सुबह के प्रोडक्ट के लिए जो है शॉप खोला गया है, और ये सेकेंड हैंड अभी बंद है। और ये हमारा जो है सेकेंड वाला जो चिल्ड्रेन पार्क है वो है, जो फवारे हैं वो गिरते हैं और काफ़ी अट्रैक्ट लुक बनाते हैं और गिर सकते हैं। यानी कि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, कपल के साथ है, तो यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है गांधी जी की मूर्ति है और काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। इस तरह से जो है पेड़ों की कटाई यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ इसको बना के रेडी कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसको मज़ेदार बनाया गया। आप थक जाओगे यहाँ पे घूमते घूमते, पर ये नहीं थकेगा कि आप जो है इसके अंदर कितना देर और घूमोगे। और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी दो आप ऐसे जगह देखें जहाँ पे वाटर के लिए भी है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि इस पार्क में तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है, वो क्या है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वो आपको दिखाते हैं। और इस पार्क के जो है ये साइड में आप आइएगा तो एक फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर आप दौड़ धूप खुद फान सकते हैं। अगर आप में दम है तो आइए और यहाँ पे दौड़िए धूपिए और कूदिए, और फानने के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा भी है। उसके साथ साथ अगर ठंडे के मौसम में आए हैं तो यहाँ पे धूप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस पार्क के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है बना देता है आपका ये फील्ड, ताकि आप क्या कर सकते हैं कि अगर गर्मी के टाइम में आए हैं तो किनारे में पेड़ पौधे दिया गया है, वहाँ पे आप रिलैक्स कर लें। अगर ठंडी में आते हैं और ठंडी के टाइम में अगर यहाँ एंट्री लेते हैं तो उस समय के लिए ये फील्ड आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आप आराम से धूप में मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो मेरे चारों तरफ देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इस तरह से जो है आप यहाँ पे आके इसका आनंद ले सकते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर आइए। यहाँ पे चलते चलते तो हम तो थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। हमें तो अभी लग रहा है कि यहाँ पे कोई गाड़ी मिल जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, तब और ज़्यादा घूमने में हमको मज़ा आ जाता, क्योंकि इतना जब बड़ा हो गया ना कि ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इस इको पार्क का जो काफ़ी साइज काफ़ी बड़ा है, और जिसके कारण क्या है ना कि ब्लॉगिंग में भी जो है टाइम काफ़ी लग जाता है। दूसरा नंबर है कि इतना बड़ा है कि पैदल चलते चलते लोग थक जाते हैं, तो वापस जहाँ से आए थे वहाँ पर जाना काफ़ी टफ्स हो जाता है। और इस कारण जो है लगता है कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए जहाँ से आदमी अगर थक जाए तो वहाँ से आप अपना उस पर बैठिए और चले जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा इको पार्क है। और इको पार्क में देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको कुछ खाने का भी मन करता है तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर जो है सुधा के प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है सुधा के प्रोडक्ट के लिए जो है शॉप खोला गया है, और आप यहाँ सुधा से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं ईजिली। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपको टाइम पास करने के लिए भी जो है अगर कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आराम से ले सकते हैं। तो हम लोग पहला जो है चिल्ड्रन पार्क देखे थे राइट साइड में, हमारा जो दूसरा चिल्ड्रन पार्क मिलने वाला है वो लेफ्ट साइड में, यानी कि जो सेकंड गेट है, फिलहाल ये हमारा सेकंड गेट है और ये सेकंड गेट अभी बंद है, इसको अभी बंद कर दिया गया है शायद COVID-19 के चलते, पर ये भी खुला रहता है। तो यहाँ पे अगर एंट्री मारते हैं तो भी आपको एक ही चिल्ड्रन पार्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका जो गेट है वो यहाँ से, और हम लोग चलते हैं इसके अंदर। और ये हमारा जो है सेकंड वाला जो चिल्ड्रेन पार्क है वो है, अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो आप ये साइड वाला गेट से आते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा जिस पे बच्चे जो है मौज मस्ती करते आपको नज़र आने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे चिल्ड्रेन पार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जहाँ पर बच्चे जो है खूब मस्ती कर रहे हैं। पे पार्क है, यहाँ पे लोग हैं, इसलिए हमने मास्क लगा लिया है। और आप यहाँ देखिए कि बच्चे कितने मस्ती और मौज में हैं। तो आप भी अगर आते हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको जो है, इसमें भी जो है पानी का जो फवारे हैं वो गिरते हैं और काफ़ी अट्रैक्ट लुक बनाते हैं और इसको और काफ़ी मज़ेदार बना देते हैं, इसलिए जो है इसको अभी बंद है, फिलहाल अभी बंद है। अब देखिए हमारे जो पीछे है, अब हम जो है इसके पीछे हमारे बैठने वाला है और यहाँ पे हम लोग जो है बैठ सकते हैं। यानी कि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं, कपल के साथ है, तो यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा देर के टाइम सस्पेंड करना है तो इस तरह से बनाया गया। और देखिए यहाँ जो
पिलर का जो शेप दिया गया है वो पेड़ के जो है जैसा दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से देखिए यहाँ पे सेटिंग भी दिया गया है, आप यहाँ पे जो है बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी जो आप बैठकर मज़ा ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है हमें थकान हो गया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब आप इस पार्क में घूम लेते हैं और घूमने के बाद जो बैठने का मज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अभी हम थक चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखते हैं थोड़ा देर में फिर यहाँ से चलते हैं और आगे ब्लॉक को बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही इतना बड़ा पार्क है कि अगर टाइम लेकर नहीं आ पाते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, यानी कि एकदम अकबकाहट सा लगेगा और आप पूरा देख भी नहीं पाइएगा और यहाँ चले जाइएगा। तो आपके पास अगर सफिशियंट टाइम है तो ही यहाँ पे आए। इस पार्क में गांधी जी का जो है एक मूर्ति लगाया गया जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है इसको। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है गांधी जी की मूर्ति है और काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनाया गया यहाँ पे और पेंट करके इसको तैयार करके अच्छा से रखा गया है। तो दोस्तों इस पार्क में हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ों को छोड़ा गया है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के ख्याल को में रखते हुए सभी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ऐसा पार्क आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा, ऐसा इसको बनाया गया और काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत बनाया गया है दोस्तों। और बीच बीच में हम अपना जो मास्क है वो इसलिए खोल देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, और अगल बगल में अगर कोई नहीं हो तो फिर कोरोना वायरस से डर किस बात की है हमें। तो इसीलिए जो है हम बीच बीच में अपना कोई मास्क खोल देते हैं, यानी कि अगर कोरोना वायरस की डर तभी होती है तो मेरे बगल में कोई होगा, और जब मेरे बगल में कोई है ही नहीं तो इसका डर भी मेरे को नहीं है। तो इसलिए मैं बीच बीच में मास्क खोल देता हूँ। और कुछ गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो अब हम चलते हैं और आगे लिख कर देते हैं कि अगर इस पार्क में एक बार आए तो आप सेटिस्फाइड होके जाइएगा, अनसेटिस्फाइड का 0% चांस है दोस्तों। तो आप इस पार्क में ज़रूर आइए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पटना के हैं तो आइए, नहीं हैं तो आइए, बाहर के हैं तो भी आइए, घर के हैं तो भी आइए, तो यहाँ पे आना चाहिए। और ख़ास करके बच्चे अगर हैं तो उसके साथ जरूर आइए, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने के लिए मौका मिलेगा, अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से जो है पेड़ों की कटाई यहाँ से रेगुलर होती रहती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आप अगर पानी वगैरह पीना चाहते थक गए हैं तो यहाँ पे नल की भी व्यवस्था किया है, यहाँ पे जो है आप आकर आराम से पानी पी सकते हैं। इस तरह से हम पहुँच गए वहीं जहाँ से हम लोगों ने अपनी कहानी शुरू की थी, और हम लोग पहुँच गए फिर से वहीं बाहर जाने के वाले गेट, अंदर आने वाला गेट सेम ही है, इसी से अब हम लोग बाहर जाएंगे। तो हमारा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।